हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। चलिए यहां पर सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 सब्जेक्ट हैं और इसमें कुछ मार्क्स इन स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं, लाइक राम ने गेन किया है। तो हम राम का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू सम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सम का और यहाँ पे टोटल हमें मिल जाता है। और यहाँ से फिर जब जैसे ही हम इसको ड्रैग करवाएंगे, लाइक ये देखिए ये इस तरीके से, तो यहाँ पे सबका टोटल होता हुआ हमें नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इसके कॉलम को अगर हमें सेट करना हो, जैसे मान लीजिए ये छोटा बड़ा हो जाए और आपको सेट करना हो, ठीक है, इसको सेट करना है। अब ये टोटल वाला कॉलम भी छोटा है, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप बार बार यहां से जाएंगे इस तरह से करके इसको रिसाइज करेंगे। लेकिन अगर हम एक ही बार में, अब देखिए अब ये तो हुई बात कॉलम की, लेकिन रो में भी देखिए यहां पर बड़ा है, यहां पर छोटा है, फिर यहां पर छोटा है, फिर यहां पर बड़ा है, तो इस तरह से बड़ा डेटा होगा तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको रो को रिसाइज करना है तो आप पूरे रो को सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, ठीक है। ये रो को हमने सेलेक्ट किया और आपको करना क्या है, इसी रो में से किसी एक रो हेडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलता है रिसाइज 2 to 9 रोज, ठीक है, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना आपको मिल जाएगा, ये बहुत इजी है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई रो हाइट और यहाँ दिया हुआ है फिट टू डेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, रो हाइट को स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 20, ठीक है, तो ये 20 कर दिया और यहां से ओके प्रेस कर देता हूं। तो अभी आप देखेंगे कि रो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो गया, अब सब एक बराबर हो गया है। बात कर लेते हैं कॉलम की, तो यहां से आप कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए आप, और सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम हेडिंग पे क्लिक कीजिए और यहां से रिसाइज कॉलम A to I बस इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आया हुआ है एंटर न्यू कॉलम विथ इन पिक्सल, ठीक है, तो यहां 101 पड़ा हुआ है, हम इसको चेंज कर देते हैं 120 करके देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे कर दिया है मैंने 120 और आप देख सकते हैं कि 120 करने के साथ साथ ये सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली रिसाइज हो गए हैं और आपको डेटा बहुत ही अरेंज वे में देखने को मिल रहा है। ये बहुत इजी वे है जिसकी मदद से आप अपने रो और कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं गूगल शीट में। आई होप की बात आपके समझ में आई होगी। Thank you for watching this video.